मुंबई पुलिस की पकड़ में आए ये ठग बेहद शातिर हैं। फुल प्रूफ प्लान के साथ ये लोग किसी शख्स को अपने जाल में फंसाते थे। ये लोग पीड़ित को किसी खास जगह बुलाते थे और सौदा तय हो जाने के बाद शुरू होता था इनका असली ड्रामा। यहाँ पर एंट्री कराई जाती थी बाकायदा एक नकली पुलिस वाले की, जो रौब गालिब कर पीड़ित से वसूली करता था। मजे की बात यह है कि ये रोल करता था मुंबई पुलिस का एक बर्खास्त कर्मचारी सिकंदर दाऊद पठान नाम का। ये पुलिस वाला वर्दी में रहता था और अपना आई कार्ड दिखाकर पीड़ित से सारे पैसे ठग लेता था। सोना असली हो या नकली, लेकिन इस तरह से खरीदारी करना कानूनन जुर्म है और इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर ये पैसों का और सोने का लेन देन किया करते थे। पैसों का लेन देन हो जाने के बाद ये एक नाटक करते थे। ऐसे लम्हों में एक पुलिसकर्मी आता था, लेकिन खरीदार को ये इल्म नहीं होता था कि ये पुलिसकर्मी इसी गैंग का एक सदस्य है। पुलिस विभाग बार बार लोगों को ऐसे ठगों से दूर रहने की नसीहत देता है, लेकिन वक्त बीत जाने के साथ लोग पुलिस की नसीहत को भी भूल जाते हैं और ठगी के शिकार बन जाते हैं। और तुम वो गहने उतारो, गहने निकालो, रखो, ऐसा अगर कोई बोलता होगा तो उसके ऊपर कभी भी उसको भरोसा नहीं करके तुरंत बाजू वाले किसी आदमी को उसको अगर बताया कि ये आदमी मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा, तो आगे होने वाले बहुत से ऑफेंस रुक जाएंगे। पुलिस ने ठग गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ लिया है, जबकि 2 लोग अभी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि फरार अपराधी भी जल्द ही पकड़ में होंगे। शाहिद अंसारी, न्यूज़ एक्सप्रेस, मुंबई।